हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं कि आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है, आगे आने वाला टाइम आपके लिए कैसा रहने वाला है। ठीक है, एंड ये रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है और सभी साइंस के लिए है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, डेफिनेटली आपको यहाँ से कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी, आपकी एनर्जी इस वीडियो से कनेक्टेड होगी एंड आपको यहाँ से डेफिनेटली कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। ओके, चलिए देखते हैं गाइस कि आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है, आगे आने वाला टाइम आपकी लाइफ में क्या लेके आ रहा है। सबसे पहले हम एक मैसेज आपके आने वाले टाइम के लिए यहाँ से निकालते हैं। सो क्या आ रहा है आपकी लाइफ में आगे? ओके, वी हैव डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। आप में से काफ़ी लोग शायद अपने पास्ट में ही जी रहे हो अभी तक। कुछ ना कुछ आपके पास्ट में ऐसा हुआ है जिसको आप भुला नहीं पा रहे हो, या आपके पास्ट ने आपको इस कदर अफेक्ट कर दिया है। अभी रिसेंटली आपके पास्ट में कुछ ना कुछ हुआ होगा जो काफ़ी नेगेटिव रहा होगा आपके फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ के लिए। ठीक है, और आप उस पास्ट, आप मतलब उस चीज़ को मान के बैठ गए हो कि हाँ, यही मेरी डेस्टिनी है और कुछ अच्छा नहीं हो सकता मेरी लाइफ में। ठीक है, और आप आगे बढ़ने का ट्राई भी नहीं कर रहे हो। तो सबसे पहले तो अपने पास्ट को भूल जाओ। अगर कुछ गलत हुआ, कुछ बुरा हुआ, वो एक बैड साइकिल आई भी, तो वो ख़त्म हो चुकी है या होने वाली है। ओके, और आगे बढ़ो अपनी लाइफ में और नई स्टार्ट लो एंड हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो जो भी आपने ड्रीम्स देखे हैं ना, उस पर फेथ रखो कि हाँ, वो पूरे होंगे और आप भी डिजर्व करते हो एक अच्छी लाइफ जीना। और आप अपने ड्रीम्स पे ना इतनी जल्दी गिव अप मत करो कि कुछ अच्छा नहीं हो सकता आपके साथ, और अगर पास्ट में ख़राब हुआ है तो आगे भी ख़राब ही होगा। ऐसा नहीं है, आपको ना थोड़ा पॉजिटिव बनना है और अपने ड्रीम्स पे फेथ रखना है कि आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है। अब चलिए और देखते हैं कि आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है? किंग ऑफ वॉन्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कप्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, द फूल। सबसे पहले तो गाइज, आपको ना जस्टिस मिलेगा। आपके साथ जो भी अनफेयर हुआ है ना आपकी लाइफ में, जो भी आपके संग गलत हुआ है, रिलेशनशिप में गलत हुआ है, जॉब में गलत हुआ है, ओवरऑल आपकी लाइफ में आपको ऐसा फील हुआ है कि आपके साथ जो हो रहा है वो फेयर नहीं हो रहा है, दूसरों की लाइफ में सब अच्छा हो रहा है, उनको सब इजीली मिल रहा है, पर आपको इतना हार्डवर्क करने के बाद भी वो पर्टिकुलर चीज़ नहीं मिल रही जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपको जस्टिस मिलेगा, आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। ठीक है, मैं देख रही हूँ कि आप में से काफ़ी लोग शायद कुछ प्लान कर रहे हो, कुछ बड़ा करने का कुछ प्लान कर रहे हो अपनी लाइफ के आगे बढ़ने के लिए। आपको बाहर जाना है या तो, या फिर आप कुछ ना कुछ अपनी लाइफ के लिए प्लानिंग्स कर रहे हो, तो अब वो प्लानिंग करने का टाइम है, उस पे वर्क करने का टाइम है, किंग ऑफ वॉन्ड्स की तरह। ठीक है, तो आप प्लानिंग करते रहो और उसके लिए एक्शन भी लेते रहो, बिकॉज जो भी आपके दिमाग में चल रहा है ना आपकी लाइफ के लिए, वो एक्चुअली में रियल बन सकता है अगर आप उसके लिए सच में मतलब एफर्ट लगाओ तो। आप में से काफ़ी लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन अभी इस वक्त अच्छी नहीं है, फाइनेंशियली आप इतना ग्रो नहीं कर रहे हो, बहुत स्ट्रगल चल रहा है आपके फाइनेंशियली, बट विथ पेशेंस एंड हार्ड वर्क आपको जो भी आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं ना, वो सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, इसमें टाइम थोड़ा सा लगेगा, बट अगर आप कंसिस्टेंटली अपने एफर्ट्स लगाते रहोगे, ठीक है, गिव अप नहीं करोगे, तो जस्टिस मिल रहा है आपको। और आपकी लाइफ की बहुत ही टफ साइकिल एंड होती हुई दिख रही है, टेन ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, एक ऐसी साइकिल चली है आपकी लाइफ में रिसेंटली जो कि जिसने आपको काफ़ी हद तक परेशान कर रखा था, जिसने आपको काफ़ी हद तक, आप एक ट्रॉमा से गुजरे हो। ठीक है, आपके रिलेशनशिप्स वगैरह ख़राब हो गए होंगे, आपके इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ भी काफ़ी अफेक्ट रही होगी। ठीक है, वो चीज़ें ख़त्म
खत्म होगी फाइनली, आपको फ्रीडम मिलेगा उस नेगेटिविटी से, ठीक है, जो भी नेगेटिविटी थी जिसने आपको होल्ड बैक कर रखा था, वो उस चीज़ से आपको फ्रीडम मिलेगा और फाइनली आप एक नई शुरुआत कर पाओगे अपनी लाइफ में आगे जाके। और अगर रिलेशनशिप्स आपके ख़राब हो रहे हैं तो आप रिलेशनशिप में भी सुधार होगा, सिक्स ऑफ कप्स, आपके पार्टनर फिर से लौट के आएंगे आपके पास। या फिर अगर आप सिंगल हो, आपका ब्रेकअप हो चुका है और आपको मूव ऑन करना है, तो आपकी लाइफ में नए पार्टनर भी आते हुए दिख रहे हैं, आपके ट्रू सोलमेट। और अगर आप वेट कर रहे हो अपने पुराने पार्टनर का या किसी कॉल मैसेज का, तो वहाँ से भी कम्युनिकेशन आएगा। बेसिकली अभी का जो पीरियड चल रहा है या चल रहा था, वो सही नहीं था आपके लिए, आपके लिए काफ़ी नेगेटिव साइकिल, टफ साइकिल थी वो, बट अब वो स्लोली स्लोली ख़त्म हो रही है और आपको जस्टिस मिल रहा है बिकॉज आपने पेशेंस रखा है। तो गॉड देख रहे हैं कि आपने पेशेंस रखा है, तो आपको उस चीज़ का जस्टिस भी देंगे। और देखते हैं आगे आने वाला टाइम आपके लिए। थिंकर, काफ़ी आप सोच रहे हो नंबर 44, तो आपको 4-4 काफ़ी दिख रहा होगा इन दिनों, और आप काफ़ी अब सोच रहे हो अपनी लाइफ के बारे में, काफ़ी सोच विचार करके अपने आगे के एक्शंस लोगे। वाई, ये कार्ड नंबर 31 विच इज़ अगेन 3+1 4, तो नंबर 4 काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए आने वाले टाइम में। या आपको काफ़ी 4 वाले पैटर्न्स दिख रहे हैं, या फिर आने वाले 4 दिन, 4 हफ्ते या 4 महीने काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। कम टू दी एज, अभी ना आपके माइंड में, ठीक है, अब ना आप इस तरह के पर्सनालिटी हो गए हो, इतना पेन मिला है आपको, तो आप इस तरह के पर्सनालिटी बन गए हो कि अब आपके माइंड में क्वेश्चंस चलते हैं यूनिवर्स से कि वाई, कि ऐसा क्यों हुआ। अब आप किसी और से पूछने की बजाय कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, आप यूनिवर्स से डायरेक्ट कनेक्ट हो रहे हो और वहीं से पूछ रहे हो क्वेश्चंस कि वाई, कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ और इसके पीछे क्या लेसन्स थे जो मुझे सीखने हैं, ठीक है। लेकिन इसके आंसर्स आपको यूनिवर्स देंगे और इसके आंसर्स जो है वो आपके अंदर भी हैं, ठीक है, आपके एंजल्स तो हैं ही आपके साथ। और थिंकर, तो अब आप में एक मेचोरिटी आई है, अब आप जो भी लाइफ के फैसले लेते हो सोच समझ के लेते हो, अब आपको पता है कि क्या चीज़ आपके लिए अच्छी है, क्या आपके लिए अच्छी नहीं है। तो अच्छी बात है कि कोई भी चीज़ करने से पहले सोचना 10 बार, ठीक है, उसके बाद वो डिसीजन लेना। तो आप में एक मैच्योरिटी आई है, ठीक है, आप काफ़ी अपने बारे में सोचने लगे हो, विच इज़ नाइस, पहले दूसरों के बारे में सोचते थे एंड देन कम टू दी एज। तो अब टाइम आ गया है कि आप एक्शन लो, ठीक है, अब कोई चॉइस नहीं है आपके पास। अब यू नो, सिर्फ सोचते रहने से भी चीज़ें सही नहीं होंगी, सोचना है फिर एक्शन लेना है। सो कम टू दी एज, फाइनली अब आपको यू हैव टू फ्लाई, ठीक है, आपको एक्शन लेना है अपने लिए, जो भी आपने सोचा है उसको इम्प्लीमेंट करो, चाहे कोई रिलेशनशिप में है, चाहे कोई जॉब में है, चाहे कुछ भी है, कोई चेंजेस लाना है आपको अपनी लाइफ में, यू नो यू हैव टू वर्क फॉर इट, ठीक है, यू हैव टू एक्चुअली वर्क फॉर इट। ओके, द वेटिंग गेम, जो भी चीज़ आप चाह रहे हो ना उसके लिए एक वेटिंग पीरियड चल रहा है जब तक कि आप अपने अंदर कुछ सुधार ना ले आओ, बट ये वेटिंग पीरियड ख़त्म होने वाला है। ओके, 4 of Wands, काफ़ी लोग अपनी शादी का वेट कर रहे हैं, तो उस चीज़ का वेट ख़त्म होने वाला है। काफ़ी लोगों की शादी यहाँ होती हुई दिख रही है मुझे, काफ़ी लोग यूनियन में आते हुए दिख रहे हैं, 4 of Wands का कार्ड आया है। हार्टेक एंड लॉस, काफ़ी लोग इस हार्टेक वाली एनर्जी में हैं, तो अपनी एनर्जी, ये एनर्जी से बाहर आइए, ठीक है। और हार्टेक एंड लॉस सिर्फ लव रिलेशनशिप के लिए नहीं, जनरली आप अपनी लाइफ में इसी एनर्जी में हो इस वक्त, इसलिए आपकी लाइफ में ये डिले आ रहा है, वरना आपकी लाइफ में आगे बहुत सारी हैप्पीनेस है जो आपका वेट कर रही है। आपको ना थोड़ा सा अपने आप को बूस्ट करने की ज़रूरत है, मोटिवेट करने की ज़रूरत है। आप ना ये वो मोटिवेशन आप दूसरों में ढूंढ रहे हो, बट एक्चुअली वो मोटिवेशन आपको खुद करना है, अपने आप को निकालिए इस हार्टेक वाली एनर्जी से, ठीक है, तभी आपका ये वेटिंग पीरियड ख़त्म होगा, तभी आप जो खुशियाँ डिजर्व करते हो आपको डिवाइन देंगे। 4 of Wands वाली हैप्पीनेस, फाउंडेशंस एंड अचीवमेंट, बहुत सारा अचीवमेंट है जो आपका इंतज़ार कर रहा है आगे, थोड़ा सा अपने आप को बूस्ट करिए। सी, यहाँ पे कार्ड आया है गिफ्ट, सो एक गिफ्ट है फ्रॉम द डिवाइन जो कि आपको मिलेगा आगे आने वाले टाइम में। और ये गिफ्ट क्या है ये नहीं पता बिकॉज इट्स पैक्ड, बट ये आपको बहुत खुश करेगा, या कोई गिफ्ट पर्सन आपको कोई गिफ्ट दे सकता है। ओके,
देन वी हैव बैड हेल्थ, आपकी हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं काफ़ी लोगों के, ठीक है, आप शायद उस वजह से परेशान हो, उस वजह से आप लाइफ में डीले फेस कर रहे हो, तो हेल्थ इश्यूज हैं, ओके, जो आप जो भी ट्रीटमेंट है वो कंटिन्यू करो, लेकिन उससे ज़्यादा जो चीज़ आपको हेल्प करेगी ना वो है आपका माइंड सेट। सो आपको अपना माइंड सेट स्ट्रॉन्ग रखना है कि आप डिजर्व करते हो हैप्पी होना, ठीक है, आपकी आधी हेल्थ इश्यूज वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे अगर अपना माइंड सेट आप रखोगे। यहाँ पे कार्ड आया है मेच्योर वुमेन, तो आपको थोड़ा सा मेच्योर बनने की ज़रूरत है, आपके जो भी पुराने तरीके थे ज़िंदगी जीने के वो अब काम नहीं आ रहे, ठीक है, वो वही सेम साइकिल रिपीट हो रही है, सो यू नीड टू चेंज योर पैटर्न, थोड़ा सा मेच्योर बनने की ज़रूरत है, या किसी मेच्योर वुमेन से या मेच्योर पर्सन से एडवाइस लेने की ज़रूरत है, ओके, सो यू नीड टू बी मेच्योर। देन वी हैव फैमिली रूम, सो फैमिली काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए, आगे जाके फैमिली का रोल हो सकता है कुछ बड़ा, ठीक है, बिकॉज यहाँ भी फैमिली कार्ड आया था, तो मे बी आप और आपके पार्टनर की फैमिलीज आपस में मिल सकती हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ फैमिली डिस्कशन हो सकता है, पर सबसे पहले आपको खुद पे ध्यान देना है, स्पेशली अगर आपके हेल्थ इश्यूज़ हैं या फिजिकल हेल्थ इश्यूज़ नहीं, कुछ इमोशनल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, उन्हें आपको हील करना है सबसे पहले तो। ओके, चलिए हम और कार्ड्स निकालते हैं, हम देखते हैं कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं आपके आगे आने वाले वक्त के लिए, यूनिवर्स का क्या मैसेज है आपके लिए। टाइम फॉर अ लव फेस्ट, तो आपकी लाइफ में लव फेस्ट होने वाला है, लाइक मैनिफेस्ट, आप लव को मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तो वो मिलके लव फेस्ट बन रहा है, आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो जिस पार्टनर को वो आएंगे, आपका यूनियन होगा, आपकी शादी होगी, ठीक है, लेकिन अभी आपकी लाइफ में सबसे बड़ा जो एक डीले का कारण है ना वो आप खुद हो, आपकी खुद की सोच है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है, आपका खुद का लाइफ को देखने का नज़रिया है, तो आपको थोड़ा सा वो चेंज करना है, थोड़ा आपको अपने अंदर लाइफ लानी है। ओके, और देखते हैं, यू नो वॉट टू डू, सी यूनिवर्स भी कह रहे हैं यू नो वॉट टू डू, आपको पता है आपको क्या करना है, पर आप वो नहीं कर रहे हो, आप वो चेंजेस नहीं ला रहे हो, तो वो चेंजेस लाओ एंड देन आपकी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आएंगे। प्रिपेयर टू बी एस्टाउंडेड, तो कुछ ना कुछ ऐसा है कि आप जो आपकी लाइफ में आएगा आगे और आप बहुत सरप्राइज और खुश हो जाओगे कि मेरी लाइफ इतनी अच्छी हो गई है, ठीक है, सो बहुत अच्छे अच्छे सरप्राइजेज आपका इंतज़ार कर रहे हैं आगे, थोड़ा सा आपको अपने सोच बदलने की ज़रूरत है, थोड़ा सा नज़रिया बदलिए अपना लाइफ को लेके, और जो पास्ट में हुआ, जो कार्ड आया था आपके लिए शुरू में, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, तो पास्ट इज़ पास्ट, अब अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है आपको, सो जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ गाइज, ओके, एंड पसंद आई रीडिंग तो लाइक करिए, सब्सक्राइब एंड शेयर, थैंक यू।